Good morning, everyone. So in today's class, we are going to continue with the same topic, that is test paper 1. So in previous class, we have completed question number A and question number B of test paper 1 on page number 61, right? So now we are going to do question number C and question number D of test paper 1 on page number 61. Okay, so now as yesterday I have taught you, like I was writing the question here and then explaining you, same pattern I'm going to follow today also, and the topic is nothing new that you have already studied in previous class, that is in lesson 1, 2, 3 and till 7. You have whatever you have studied, that only we are going to repeat now. Okay, so let's get started. So the first question for today is, fill the table with the correct form of the words. So today we are going to study one many. Okay. So I will write here question number C. Fill the table with the correct form of the words. ठीक है, so ये आपका first question है. ठीक है, क्या बोला है आपको? आपको correct form of word table में fill करना है. आप table से आप सोच रहे होंगे table कौन सा? So all of you look into your book on page number 61. Question number C is a table of one many. ठीक है, आपको table में कुछ blanks दिए हुए हैं, कुछ words लिखे हुए हैं, आपको इनके one many लिखने हैं. ठीक है, so for some words one is given and for some words many form is given. Okay, so we have to sort it out accordingly. So I will first make the table here. One, that is singular. Okay, and second is many, that is plural. Clear? एक टेबल में फर्स्ट कॉलम में आपको क्या दिया है? वन, दैट इज सिंगुलर फॉर्म. और सेकेंड में आपको दिया है मैनी, दैट इज प्लूरल फॉर्म. आया समझ में? ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड आपको क्या लिखा है हम देखते हैं. बुक, व्हाट इज इट? बुक. और यहां पे आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे बुक का क्या होता है मैनी. बुक का मैनी बुक्स होता है. लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपको एस ऐड करना है या ई एस ऐड करना है? कैसे पता? फर्स्ट लेटर हमेशा कंसोनेंट. ठीक है, पहली चीज इससे आपको पता चल गया. दूसरी चीज एंड भी देखना होता है आपको. वर्ड एंड कैसे हो रहा है? के से. और मैम ने क्या बताया था? ई एस हम तब ऐड करते हैं व्हेन द वर्ड एंड्स विद S, F, H, C, H, X, O and so on, right? So in words के साथ में, in letters के साथ अगर word end हो रहा है तो आप ES लगाते हो. Plus your first letter should be a vowel, right? लेकिन ये क्या है? First letter आपका consonant है, right? तो in all together we will be writing S for books. ठीक है, ES नहीं add करेंगे. Clear? So I will write here books. आपके बुक में यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया होगा, डॉट डॉट लाइन बने होंगे, वहां पे आप लोग लिख लो books. इस तरह से आपको डॉटेड लाइन्स बने होंगे, उसमें आप लिख लो books. ठीक है, नाउ द सेकेंड वर्ड इज ब्लैंक्स. सेकेंड वर्ड आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है लेकिन उसका मैनी फॉर्म दिया हुआ है. वन यानी सिंगुलर फॉर्म नहीं है, प्लूरल फॉर्म दिया है. तो प्लूरल फॉर्म क्या है? पेंसिल्स. व्हाट इज इट? Pencils. So what will be the singular form of pencils? We will remove S from the word and it will become pencil, right? एक हो तो हम one कहते हैं, that is singular form. एक से ज्यादा हो तो many कहते हैं, that is plural form. Clear? Yes. Now the third word is chalk. C-H-A-L-K. Chalk. Okay. अब चौक के आपको मैनी में नहीं दिया हुआ है तो आप मैनी में क्या लिखेंगे?
अगेन द वर्ड स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट ऑल्सो एंड्स विद के नॉट एस नॉट एस एच और डबल एस और सी एच और ओ एक्स देर इज नो सच वर्ड्स इन द एंड नो सच लेटर्स इन द एंड सो वी विल एड एस टू द वर्ड एंड इट विल बिकम चॉक्स व्हाट इज इट चॉक्स आया समझ में द फोर्थ वन पेन व्हाट इज इट पेन पेन का मेनी फॉर्म आपको नहीं दिया है तो पेन का मेनी फॉर्म क्या होगा अगेन द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड इट एंड्स विद एन देर इज नो एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और ओ इन द एन सो वी विल एड एस टू द वर्ड एंड इट विल बिकम पेन्स ठीक है आपको पेन में भी एस ऐड करना है क्यों क्योंकि फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है लास्ट लेटर भी एन है यानी कि आपको जो रिक्वायरमेंट है ई एस ऐड करने के लिए दैट इज एस डबल एस सी एच एस एच ओ या एक्स ऐसा कोई भी लेटर एंड में नहीं है इसीलिए हम उसमें एस ऐड करेंगे और उस वर्ड को क्या बोलेंगे पेंस ठीक है नाउ द फिफ्थ वर्ड आपको ब्लैंक दिया हुआ है फिफ्थ वर्ड ब्लैंक दिया है और उसके आगे मेनी में उसका मेनी फॉर्म क्या है बॉक्सेस अब आपको बॉक्सेस का सिंगुलर फॉर्म फाइंड आउट करना है तो हियर यू कैन सी देयर इज ई एस इन द एंड व्हाई ई एस इज गिवन बिकॉज द सिंगुलर फॉर्म दैट इज बॉक्स इज हैविंग एक्स इन द एंड जो आपका सिंगुलर फॉर्म है बॉक्स बॉक्सेस का सिंगुलर फॉर्म तो बॉक्स होगा तो बॉक्स के एंड में क्या है एक्स है और एक्स के साथ हम क्या लगाते हैं ई एस सो इट बिकम्स बॉक्सेस एंड फॉर द ब्लैंक वी विल राइट हियर बॉक्स क्लियर ठीक सिक्स्थ वर्ड देखो सिक्स्थ में आपको क्या दिया है ब्रश बी आर यू एस एच ब्रश ब्रश का मेनी फॉर्म क्या है डॉटेड लाइन दिया हुआ है ब्रश का मेनी फॉर्म अब देखो ब्रश में फर्स्ट लेटर तो कंसोनेंट है ठीक है लेकिन लास्ट क्या है एस एच दिया हुआ है तो अब एस एच को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते सो विद एस एच वी विल एड ई एस टू द वर्ड ठीक है एस एच से एंड हो रहा है मीन्स ई एस एड करेंगे ठीक है सो बी आर यू एस एच ई एस ब्रशेस क्लियर ब्रश का फॉर्म हमने क्या लिखा ब्रशेस सिमिलरली द लास्ट वर्ड इज ब्लैंक्स सो आई विल रब दिस पार्ट एंड राइट इट हियर आई होप इतना पार्ट आप लोग ने लिख लिया होगा अगर मैम का स्पीड कभी ज्यादा लगता है तो यू कैन पॉज योर वीडियो एंड यू कैन राइट इट अलॉन्ग विद दैट ठीक है यस सो द सेवेंथ वर्ड इज डॉट And the many form it is given, watches. What is it? Watches. Clear? So for watches, it is clear that watch is the singular word. But why we added es here? Because the watch word ends with the letter ch. Ends with the letter ch. And with ch, sh, double s, s, o, x, we use es. Right, so we will write here watch W A T C H watch clear so there were seven words given here and we have completed all the seven words okay now we are moving to the fill in the blanks that is question number D fill in the blanks with A or an okay so I will rub this part and write it Question number D. What is it? Fill in the blanks with A or N. Okay. So the first word, first one is there is blanks. Glass on the table. तो मैं पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमाइंड करवा दूं
सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि ब्लैंक्स के बाद कौन सा वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप ए और एन लिखते हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई कि आपको जो वर्ड दिया हुआ है उसका फर्स्ट लेटर आपको देखना है कि व्हाट इज इट, वेदर इट इज अ वोवेल और अ कंसोनेंट, ठीक है। सो यहाँ पे वो देख लेंगे, उसके बाद आप ए और एन लिखते हो, ठीक है। एंड द फर्स्ट लेटर हियर इज जी, सो जी इज अ कंसोनेंट एंड वी यूज एन फॉर वोवेल्स ओनली। आप एन किसके साथ यूज करते हो, वोवेल्स के साथ, तो यहाँ पे जी कंसोनेंट है, सो वी विल राइट ए हियर। सो फर्स्ट में लिखो देयर इज अ ग्लास ऑन द टेबल, देयर इज अ ग्लास ऑन द टेबल, क्लियर। सेकेंड वन, आई एट ब्लैंक्स, आई एट ब्लैंक्स ऑरेंज इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहां पे अब ब्लैंक्स के बाद वर्ड क्या दिया हुआ है, ऑरेंज, एंड इन ऑरेंज ओ इज अ वोवेल, फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल, सो विद वोवेल व्हाट वी यूज, एन, राइट। सो वी विल राइट हियर आई एट एन ऑरेंज इन द मॉर्निंग, क्लियर। थर्ड, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी ब्लैंक्स पीस ऑफ केक, थर्ड में क्या बोला है, प्लीज गिव मी ब्लैंक्स पीस ऑफ केक, उसको पीस ऑफ केक चाहिए। तो पीस वर्ड हम ले रहे हैं, पीस में पहला क्या है, पी, पी इज द फर्स्ट लेटर एंड पी इज अ कंसोनेंट, सो वी विल राइट अ, प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ केक, क्लियर। फोर्थ वन, इट मे रेन, इट मे रेन, सो टेक ब्लैंक्स अम्ब्रेला, क्लियर। वो कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है, इट मे रेन, बारिश हो सकती है, सो टेक ब्लैंक्स अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लेके जाने बोल रहे हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट लेटर फॉर अम्ब्रेला, यू, एंड यू इज अ वोवेल, सो वी विल राइट एन फॉर द वर्ड, क्लियर। इट मे रेन, सो टेक एन अम्ब्रेला, क्लियर। नाउ द फिफ्थ वन, कैन यू लेंड मी ब्लैंक पेंसिल, कैन you lend me blank pencil, क्या तुम मुझे एक पेंसिल उधार दे सकते हो। सो यहाँ पे पेंसिल है वर्ड, और पेंसिल का फर्स्ट लेटर क्या है, पी, सो फॉर पी वी से इट इज अ कॉन्सोनेंट एंड विद कॉन्सोनेंट वी यूज ए, सो यहाँ पे ए लिखे, कैन यू लेंड मी अ पेंसिल, क्लियर। सिक्स वन, आई लाइक टू ईट ब्लैंक्स, आई लाइक टू ईट ब्लैंक्स एग विथ ब्लैंक्स स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। सो आई लाइक टू ईट ब्लैंक्स एग, तो हियर द वर्ड इज एग, फॉर एग इज वोवेल एंड फॉर वोवेल वी यूज एन, सो आई लाइक टू ईट एन एप्पल, सॉरी एग विथ ब्लैंक स्लाइस ऑफ ब्रेड, फॉर द स्लाइस वर्ड एस इज अ कॉन्सोनेंट एंड विल यूज ए फॉर कॉन्सोनेंट, सो द सेंटेंस इज आई लाइक टू ईट एन एग विथ अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, मैं एग खाना चाहूंगा लेकिन एक ब्रेड के साथ, एक ब्रेड के स्लाइस के साथ मैं एक एग खाना चाहूंगा, राइट। सो ऐसा आप लोगों को सिक्स सेंटेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे, राइट। सपोज सिक्स सेंटेंसेस, व्हाट वी वर सपोज टू डू इज वी हैव टू सेलेक्ट ए और एन फॉर द करेक्ट सेंटेंस, राइट।
So now it is done here. So the test paper 1 on 61, page number 61, the test paper 1 we have completed now. So I hope you all have done it along with me. Those who have not, try to complete it today itself. Do not keep it for later, because from next week you will be having pattern papers and some more revision questions. Also, tomorrow we are going to start test paper 2. So it will give you more burden. So better if you will complete it today itself, right? Okay, so now as I have told you earlier and every day I am reminding you, the exams are very close. You should start your revision. Okay, so this is it for today. Good day, everyone.